नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने जो अपनी अपन जो पढ़ रहे हैं, जो अपन ने ज्योग्राफी शुरू की थी उसमें अपन ने 6 महाद्वीप पढ़ ली हैं। आज अपना जो अंतिम महाद्वीप है, अपने जो भी महाद्वीप पढ़े दोस्तों, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से उनका क्रम है, उस हिसाब से अपने महाद्वीप पढ़े हैं। आज अपना जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले कुछ बातें समझते हैं अपन, उसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों। जो ये ऑस्ट्रेलिया है, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों, इसकी स्थिति देखते हैं। सबसे पहले इसको अपने समझें, जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक देश है, ये एक देश है दोस्तों, फिर भी इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। जो अगर ओरिजिनल में देखें तो ये जो महाद्वीप है इसका नाम है ओशेनिया। ओशेनिया, इस ओशेनिया महाद्वीप में देखो, एक तो आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इसमें आता है न्यूजीलैंड, इसी में आता है दोस्तों पपुआ न्यू गिनी द्वीप, पपुआ न्यू गिनी द्वीप, इसी में आता है मेलानेशिया, इसी में आता है दोस्तों पॉलिनेशिया, इसी में आता है दोस्तों माइक्रोनेशिया, माइक्रो यानी कि ये 6 मिलकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण करते हैं। चूंकि इसमें महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, ठीक है दोस्तों, ये अपन समझ रहे। ओरिजिनल रूप में तो ऑस्ट्रेलिया है महाद्वीप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इनमें से प्रमुख है, सबसे बड़ा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया स्थिति देखें दोस्तों, ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ग्लोब पर अगर हम देखेंगे या मैप पे देखेंगे तो ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया देश है। अब अपन ने दोस्तों देखो बहुत सारे नाम लिखे यहां, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, जो प्रमुख है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी, इनको अपन क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया को अपन देखते हैं मैप के माध्यम से। अपना ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले उसकी स्थिति और उसके जो राज्य हैं उनको देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कंप्लीट देश है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 राज्य हैं, 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं सबसे पहले उन राज्यों को, देखिए दोस्तों सबसे पहले ये पश्चिमी प्रांत, इसकी राजधानी है दोस्तों पर्थ। फिर दोस्तों देखते हैं ये आ गया अपन दोस्तों पश्चिमी प्रांत, ये अपना दोस्तों उत्तर में है इसलिए उत्तरी प्रांत, इसकी राजधानी है दोस्तों डार्विन। ये कोस्ट में जो गोले में अपन लिख रहे हैं वो इनकी राजधानी है, ठीक है दोस्तों। ये आ गया दोस्तों अपना दक्षिणी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, इसकी राजधानी दोस्तों एडिलेड, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, अब अपना दोस्तों ये इस राज्य का नाम है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, इसकी राजधानी दोस्तों ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, ये इसकी राजधानी, ठीक है दोस्तों। कितने हो गए, पश्चिमी प्रांत हो गया डार्विन, उत्तरी प्रांत की राजधानी डार्विन, पश्चिमी प्रांत की पर्थ, दक्षिण प्रांत की एडिलेड। इसी प्रकार से ये है दोस्तों न्यू साउथ वेल्स, और इस राज्य की राजधानी है दोस्तों सिडनी, नाम सुना है दोस्तों सिडनी। इसी प्रकार से तो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये जो प्रांत है दोस्तों ये है विक्टोरिया, विक्टोरिया,
और इसकी राजधानी दोस्तों मेलबोर्न। इसके नीचे जो द्वीप है दोस्तों इसका नाम है तस्मानिया, और तस्मानिया की राजधानी है दोस्तों हॉबार्ट। ये तस्मानिया केंद्र शासित प्रदेश अपने पहले बात की थी, 6 राज्य हैं, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण प्रांत, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। इनके अलावा जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें एक अपना दोस्तों तस्मानिया और दूसरा यहां है दोस्तों जिसका नाम है कैनबरा। कैनबरा और कैनबरा की राजधानी कैनबरा ही है दोस्तों, और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की भी राजधानी है दोस्तों, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। कैनबरा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कैनबरा ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हुई अपनी 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की। और देखते हैं दोस्तों यहां जो स्थिति है दोस्तों, यह है पप्पुआ न्यू गिनी, पप्पुआ न्यू गिनी द्वीप, गिनी द्वीप। और इसके टच वाला है दोस्तों एरियन जया, एरियन जया। याद है दोस्तों एरियन जया, एरियन जया अपन ने तब पढ़ा था जब अपन एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे, तब अपन ने इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप देखे थे, उनमें देखा था अपन ने सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, एरियन जया। ये एरियन जया और ये आ गया दोस्तों पपुआ न्यू गिनी। ये एरियन जया तो एशिया का पार्ट है और पपुआ न्यू गिनी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। कई बार पूछा गया है तो इसमें ध्यान रखना है, इधर तो आ गया दोस्तों पपुआ न्यू गिनी और इधर है ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के बीच जो ये जलीय क्षेत्र है, ये जो जल संधि है, इसका नाम है दोस्तों टारस जल संधि, टारस जल संधि। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी द्वीप के बीच में स्थित जल संधि का नाम क्या है दोस्तों? टारस जल संधि। और देखते हैं तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि है, तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इस जल संधि का नाम है दोस्तों बॉस जल संधि, जल संधि, BASS, बॉस जल संधि। किस किसके बीच में दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। और देखते हैं इधर दोस्तों, ये अपने न्यूजीलैंड है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड, ये उत्तरी न्यूजीलैंड। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है दोस्तों उसका नाम है कुक जल संधि, कुक जल संधि। ये बात हुई दोस्तों अपनी ऑस्ट्रेलिया की स्थिति की। पहले अपन ने ये देखा कितने प्रांत है, कितने केंद्र शासित प्रदेश, इनकी स्थिति क्या है, इनकी राजधानी क्या है। उसके बाद जो प्रमुख जलीय संधियां थी वो अपन ने देखो दोस्तों, ये क्या है? छोटा महाद्वीप है, यहां से जो प्रश्न है वो बहुत ही लिमिटेड आते हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें उनको अपन लगभग उन सभी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले ताकि अपन आगे बढ़े। तो दोस्तों अपन ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति क्या है, इसके बाद में अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक रेखा गुजर रही है दोस्तों के, उसका नाम है दोस्तों मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया लगभग मध्य से गुजर रही है, इसलिए इसका 2/3 भाग पूरे देश का वो मरुस्थल है मकर रेखा, ठीक है दोस्तों, के आसपास होने के कारण, क्योंकि अधिकतर मरुस्थल मध्य अक्षांशों के मध्य स्थित होते हैं, तो इसका 2/3। ये जो इस मरुस्थल है दोस्तों इसे नाम दिया गया है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। अब ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल में बहुत सारे मरुस्थल हैं, जिनमें देखो एक तो है दोस्तों विक्टोरिया का मरुस्थल, विक्टोरिया का मरुस्थल, एक है सिंप सन का मरुस्थल, एक है गिब्सन का मरुस्थल, एक है ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, एक दोस्तों स्टुअर्ट का मरुस्थल। ये सारे मरुस्थल मिलकर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहलाते हैं। और देखते हैं दोस्तों, ये बात हुई अपनी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की, जिसका नाम दिया है दोस्तों ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों यहां का जो प्रमुख पर्वत है उसके अपन बात करेंगे। तो यहां जो प्रमुख पर्वत है दोस्तों, देखो ये क्वींसलैंड,
न्यू साउथ वेल्स, और दोस्तों ये है इधर तस्मानिया, और ये आ गया दोस्तों विक्टोरिया। ये अपने पहले देखा है यहां से लेकर ये, और थोड़ा सा यहां फैला हुआ है। ये है दोस्तों, ये जो पर्वत है इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया राज्यों में फैली हुई है। यहां की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों इस पर्वत की, वो है माउंट कोशिस्को, माउंट कोशिस्को, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 22-28 मीटर। ये याद रखनी है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रमुख पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोशिस्को। या सीधा प्रश्न आ जाता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो अपना आंसर होगा दोस्तों माउंट कोशिस्को, जिसकी ऊंचाई है 22-28 मीटर। अब देखते हैं दोस्तों यहां की नदियां कौन कौन सी है। यहां प्रमुख रूप से एक ही नदी है, जो प्रारंभ में दो नदियां हैं और बाद में एक ही नदी बनती है। देखें दोस्तों ये क्वींसलैंड से नदी निकल रही है, एक न्यू साउथ वेल्स से नदी, ये दोनों यहां जाकर मिल जाती है और ये अपना जल ले जाती है दोस्तों। यहां है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, अगर खाड़ियों की बात करें दोस्तों ये स्पेंसर की खाड़ी है, और यहां ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, यहां है दोस्तों भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी। ये याद रखना दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं, स्पेंसर की खाड़ी में, क्योंकि दोस्तों यहां दो नदियां, देखो ये नदी है डार्लिंग और ये नदी है दोस्तों मरे या मुरे नदी। ये प्रारंभ में दो अलग अलग नदियां होती है, लेकिन बाद में मिलकर एक नदी बनाती है जो स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है दोस्तों डार्लिंग मरे, एक साथ आता है इनका नाम, ठीक है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, मरे डार्लिंग या डार्लिंग मरे, किसी भी नाम ले दो कोई दिक्कत नहीं। सबसे ऊंची चोटी हो गई दोस्तों माउंट कोशिस्को। और अगर बात करें दोस्तों तो अपन यहां से देखते हैं दोस्तों, यहां एक नाम पढ़ा था अपने सिडनी, सिडनी से लेकर ये, और आप इधर जाओ पर्थ तक, ये है अपना दोस्तों पर्थ। यहां ये ऑस्ट्रेलिया का एक रेल मार्ग है, सिडनी से लेकर पर्थ तक। सिडनी के अलावा यहां और भी आ जाएंगे दोस्तों, जैसे ये एडिलेड आ गया, एडिलेड के बाद दोस्तों इधर जैसे अपन यहां से चलेंगे सिडनी, एक आ गया दोस्तों मेलबोर्न, ये आदि इसके बीच में आएंगे। तो ये जो इसकी जो याद रखनी है दोस्तों कि कहां से कहां तक जाता है, सिडनी से लेकर पर्थ, इसका नाम दिया है दोस्तों ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ये कहां से कहां तक है दोस्तों, सिडनी से लेकर पर्थ। यहां की जो विशेषता है दोस्तों वो क्या है, वो ये जो पश्चिमी प्रांत है इसमें यहां दो सोने की खाने पाई जाती है इस रेल मार्ग पर, एक का नाम है काल गुरली और दूसरी है कुलगार्डी। ये दोनों सोने की खाने हैं जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें अपन यहां देखेंगे ये जो स्थिति है दोस्तों, ये जो स्थिति है यहां से लेकर यहां तक 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक लगभग 1920 किलोमीटर, लगभग
1920 किलोमीटर 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। दोस्तों यहां एक परवाल वृत्ति है, परवाल वृत्ति, परवाल वृत्ति क्या है दोस्तों, समुद्र का जो कचरा होता है वो यहां तट के आगे पास में जम जाता है और धीरे 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 दीवार का या एक तरह से कठोर दीवार का निर्माण करती है जिसे अपन ने परवाल वृत्ति कहा है। संसार की सबसे लंबी सबसे बड़ी परवाल वृत्ति है दोस्तों ये, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा गया है। याद रखना है संसार की सबसे लंबी जो ब्रंस घाटी है वो अफ्रीका में है दोस्तों, और सबसे बड़ी जो परवाल वृत्ति है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहां है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी स्थिति क्या है, 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। तो ये बात हुई दोस्तों अपनी ऑस्ट्रेलिया की, जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख चीजें थी भौतिक दृष्टि से इनको अपन ने अध्ययन किया। अब अपन आप इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि अपन जो भी न्यूजीलैंड है पॉलिनेशिया है इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अपन देखते हैं, अभी अपन ने बात की भी ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अपन ने देखा ग्रेट बैरियर रीफ यानी परवाल वृत्ति, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कौन कौन से मरुस्थल है, एक प्रमुख नदी है। अब अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में और जो कुछ चीजें बची हैं उनका अध्ययन करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से जो अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनकी दृष्टि से कुछ चीजें जो बची है उनको अपन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है जो विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों याद रह जाएगा, बॉक्साइट विश्व में सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उन्हें डाउन्स कहा गया है, घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों विश्व की लगभग एक तिहाई भेड़े सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में लगभग एक तिहाई, ध्यान रखना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर है, पहला नंबर चीन का है भेड़ पालन में, दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का, जबकि लगभग एक तिहाई भेड़े अकेले ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है, यानी जो भेड़ पालन केंद्र ऑस्ट्रेलिया के उन्हें रेंज कहा गया है, याद रखना है रेंज, कभी कभी सीधा प्रश्न आ जाता है रेंज क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन के केंद्र है उन्हें रेंज कहा गया है। तो ये दोस्तों अपने हुए परीक्षा की दृष्टि से जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अपने बचा था। अब हम देख रहे ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया रह गया दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की स्थिति है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी दो भागों में बटा हुआ है, यहां लगभग 23 देश है, यह छोटे छोटे राज्यों को मिला के कहा है। ये है उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड, ये है दोस्तों दक्षिणी न्यूजीलैंड। इन दोनों को जो जलसंधि अलग करती है दोस्तों उसका नाम है कुक जलसंधि, कुक जलसंधि, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तरी न्यूजीलैंड को यार न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटने वाली जलसंधि कौन सी है, कुक जलसंधि। और देखते हैं यहां का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो है कीवी, और देखते हैं इसकी राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन, और यहां जो घास के मैदान पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में उन्हें कैंटरबरी कहा गया है, कैंटरबरी। यह था दोस्तों अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपन ने देखा क्योंकि यह सबसे छोटा महाद्वीप है, यहां बहुत ही कम बहुत ही विशेषताएं हैं, एक नदी है जो मरे डार्लिंग नदी हो गई, एक ग्रेट बैरियर रीफ जो संसार की लंबी परवाल वृत्ति है 1920 किलोमीटर, और छोटे छोटे मरुस्थल हैं बोस मकर रेखा पे इनके बीच में गुजरने के कारण यहाँ बहुत सारे मरुस्थल बन गए हैं, जिन सभी मरुस्थलों को मिलाकर ग्रेट सैंडी स्टुअर्ट सिम्पसन गिब्सन विक्टोरिया इनको मिलाकर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहा गया है। ऐसी बहुत सारी जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो चीजें हैं
जो परीक्षा में आ सकती है या आई हुई है या जहां पे अपने को जोर देना है वो अपन ने दिन किया। अब देखते हैं दोस्तों, अपने लगभग सारे महाद्वीप पढ़ लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप थोड़ा छोटा होने के कारण इतनी इसमें चीजें हैं। अब अपनी जब भी अगली क्लास होगी कल, उसमें आपको जो वीडियो मिलेगा वो सभी महाद्वीपों का जो प्रश्न है आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन, आपको यही सॉल्यूशन करवाया जाएगा, वो वीडियो आपको मिलेगा। तब आप अपना आकलन करेंगे कि अपन ने कितना पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में अपन जो प्रश्न है उनके सॉल्यूशन है वो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।